अज सारा पंजाब शर्मसार हो रहा है इन्होंने कम्या दे करके। ये किस तरह की सरकार चलाना चाहते है? झूठ और फरेब की राजनीति के अलावा कोई होर काम ही कोई नहीं। और वड्डे वड्डे इश्तहार दिते जाते हैं कि असीं इन्नियां नौकरियां देती हैं, ना कर दिता। क्या केवल नियुक्ति पत्र देने नाल नौकरी मिल जाती है? ये अज पहली बार हिंदुस्तान में शायद ऐसी सरकार होएगी जिहड़ी नियुक्ति पत्र वंडदी है लेकिन उन्होंने पोस्टिंग नहीं देती, उन्होंने ज्वाइन नहीं कराती और इश्तहार देती है कि असीं इन्ने हजारां लोगों को नौकरी दे दी। एक मजाक बना के रख दिता सारे सिस्टम का इन्होंने लोगों। और जिस तरीके भैन बलविंदर कौर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होने के बावजूद उसनों पोस्टिंग नहीं दी गई, ज्वाइन नहीं कराया गया। और इस तरह के अनेक लोग ने जो धरने पर बैठे ने कि सानू ज्वाइन तो कराओ, लेकिन इस सरकार के कन से जू नहीं देंगे। जे तुहाडे कोल ज्वाइन नहीं करा सकते फिर नियुक्ति पत्र किस गल का? भ्रष्टाचार तो लिप्त सरकार। और मैं पढ़ रहा सी अज खबरां दे विच कि DDR कट्टन वास्ते इन्हां दा जिहड़ा है सिस्टम नहीं चल रहा। इस तो ज़्यादा शर्मसार गल की हो सकती है? सारे मंत्री इन्हां दे भ्रष्टाचार च लिप्त। विजय सिंगला साडे सामने है ते मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा सी ना कि भ्रष्टाचार की मेरे को वीडियो हैगी है, ऑडियो हैगी है। वो FIR का पार्ट नहीं बनाया। फौजा सिंह सरारी की तो इंक्वायरी की थी इन्होंने, मंत्रिमंडल चो हटाया सीगा, उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की इन्होंने। कटारू चक की वीडियो वायरल हुई, कंप्लेनेंट को रात धमका के उसकी कंप्लेंट वापस लीती, लेकिन क्या उसके नाल मॉरली और जो वीडियो सामने आई है जिसनों राज्यपाल महोदय ने फोरेंसिक को एक्सपर्ट्स को ऑथेंटिकेट कराया कि वो वीडियो सही है, क्या नैतिकता के आधार के उत्ते उस तो इस्तीफा नहीं दिता जाना चाहिए सीगा? इतने कोई एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज़ नहीं है। जेडे बंदे जेडियां बेरोजगारां नूं कहिंदे सीगे भी असीं नौकरियां देवांगे, हुण शोशेबाजी ये एडवरटाइजमेंट के द्वारा लोगों को जो भरमाया जा रहा, पर असलियत हकीकत की है वो खुदकुशियां दस रही है, चाहे कोई सहायक प्रोफेसर है वो ते, चाहे किसानी के उत्ते किसानों के है, चाहे नशियां के उत्ते है, तो रोज़ मौत हो रही है। पर यह अपने नशे के अज भी बैठे अपनी वाहवाही तो अपने इश्तहारबाजी ना ही अपना जड़ा अपने आप न कुछ करन लई भाई असीं बड़े पापूलर हो गए और बहुत अच्छे काम इहो जी सरकार आ। सर एक तरीक नूं लै के किदां देखदे हो कि जिवें जिवें एक तरीक नेड़े आ यार नेड़े आएगी पता लग जाएगा बेईमानी। यह पोलिटिकल सुइसाइड कमिट किया सरकार ने सिर्फ ओवर एक्ट करके मंत्री दी एक नूं बचाउण दी कोशिश विच, जिहनूं तुसीं कह सकदे हो डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज विच उहनां ने विदाउट लूजिंग एनी टाइम बेटी दे पति सहुरा ते सस मुलजम बना के अंदर देते। देखो इत्थे नाल मैं एक जवाब होर भी गलत करदा, मैं मानयोग चीफ जस्टिस पंजाब हरियाणा तो भी मंग करदा कि वह भी एक जुडिशल इनकुआरी करा के ये गल दी लोकां सामने रखण गल कि इलाका मैजिस्ट्रेट ने कल वो तीनों मुलजमान नूं 2 दिन का पुलिस रिमांड केस बना दे दिता गया, जब 306 का परचा नहीं बनता 306 के जुर्म च उन्होंने रिमांड किवें दे दिता गया। जुडिशरी भी सरकार दे ट्रैप च आ गई, जुडिशरी भी सरकार दे ट्रैप च आ गई। मंत्री दी स्किन सेव कर ली जुडिशल ऑफिसर ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया कि जेड़े जुर्म विच असीं बंदे फड़ के मेरे कोल पेश करके उन्हां दा पुलिस रिमांड मंग रहे हैं, आइंदा वो जुर्म हुण हाले तक कमिट होया कि नहीं होया? देखो गल आ उहदी इनक्वायरी चलदी पई हैगी, कानून अपना काम कर रहा हैगा, उस कानून ने जो भी फाइंडिंग आनगियां उस तो बाद जो भी कोई कार्रवाई होगी वो देखी जाएगी की करनी है। देखो गल ये भी विरोधियों ने तो अपने अपने आप को
उन्होंने एक पोलीटिकल मंच चाहिए होंगे भावें कि मर्जी हो अपने अपने पोलीटिकल मंच के हिसाब ना काम कर रहे हैं पर असी जो भी असी सारी चीज़ की फाइंडिंग हो रही है एजेंसियां जांच एजेंसियां लगी हुई हैं और बहुत जल्दी जो भी दुध का दुध पानी का पानी सामने आ जाएगा।